हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन एंड यू आर इंस्ट्रक्टर फॉर दिस होल कोर्स। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं किस तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से रैंडम कोड जनरेटर बना सकते हैं। ओके, तो बिना देर किए करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि न्यूटन स्कूल ने अभी एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है, ऑनलाइन एमएस डिग्री का प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो यूरोप की यूनिवर्सिटी है एमआईई यूनिवर्सिटी, उसके साथ न्यूटन स्कूल ने एसोसिएशन किया है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑनलाइन एक साल का एमएस डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए आप एक प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट है या वर्किंग प्रोफेशनल है जो कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री करना चाह रहे हैं ना, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ठीक है, और आप इस ऑनलाइन एमएस डिग्री कोर्स को अगर मेरे कूपन कोड से परचेज करते हो, गगन 15, अगर कूपन कोड यूज कर लेते हो तो आपको 15,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और बाकी आप न्यूटन स्कूल की वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। ओके, वहाँ पे आपको सभी डिटेल मिल जाएंगी। ओके, तो अब चलते हैं हमारे आज के वीडियो पे, जिसमें हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से रैंडम कोड जनरेटर बना सकते हैं। ओके, हाँ, लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो भी हम अपना जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, मतलब कि जो भी हम वो बनाने वाले हैं, हमारा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, वो बनाने वाले हैं हम न्यूटन स्कूल की ऑनलाइन आईडी पे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक न्यूटन स्कूल की ऑनलाइन आईडी को एक्सेस नहीं किया है, तो उसके लिए सिंपल आपको कहाँ पे आना है, न्यूटन स्कूल पे। ओके, तो न्यूटन स्कूल पे आने के बाद आपको सिंपल लॉन्च पैड पे क्लिक करना है। ठीक है, वैसे मेरे हर वीडियो में मैं इसी को यूज करता आ रहा हूँ, जो भी मैं प्रोजेक्ट बनाना होता है तो अपने इसी वाली को यूज करता हूँ, न्यूटन स्कूल की जो ऑनलाइन आईडी है। ठीक है, फिर आपको स्टार्ट नाउ फॉर फ्री पे। ओके, और इस स्टेप को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे को ये डैशबोर्ड शो कर रहा है क्योंकि मैंने पहले से अपना अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो अगर आप अभी ये वाला वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया, तो अगर आप यही वीडियो देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। और यहाँ पे 3-4 सेक्शन बने हुए हैं, ट्रैक, प्लेग्राउंड और कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो ट्रैक वाला होगा, इसमें क्या है, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं जो न्यूटन स्कूल प्रोवाइड कराता है। ठीक है, लाइक इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। ओके, और हमें क्या मतलब है ऑनलाइन प्लेग्राउंड वाले से। ठीक है, प्लेग्राउंड वाले सेक्शन में आना है आपको, और सिंपल आपको ओपन एडिटर करना है मार्कअप वाले प्लेग्राउंड को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना पहला लास्ट प्रोजेक्ट बना रखा था, वो यहाँ पे है, हम इसको यहाँ से हटा देंगे सभी चीज़ों को। ठीक है, अपना नया प्रोजेक्ट आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो अपना प्रोजेक्ट फाइनल है मैं उसका आपको आउटपुट शो कर देता हूँ, फिर थोड़ा सा आपको फील आने लगेगा ना कि हम यार हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको तो यहाँ से मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। ओके, अब देखते हैं हमारा फाइनल प्रोजेक्ट। तो मैं जो हमारा फाइनल चीज़ होगा वो इस तरीके से होगा, रैंडम कोड जनरेटर। ठीक है, जैसे मैं इस जनरेट पे क्लिक करूँगा तो ये देखो मुझे एक रैंडम कोड मिल गया। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करूँगा फिर दूसरा मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देर के करते अपने वापस से आते हैं अपनी ऑनलाइन आईडी पे। ठीक है, ओके, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने एचटीएमएल का पार्ट कवर करने वाले हैं। ठीक है, वैसे हम स्टाइलिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, अगर स्टाइलिंग में, ठीक है, मैं होप करता हूँ आपको पहले से एचटीएमएल सीएसएस के बारे में पता होगा, थोड़ा बहुत हम ज़्यादा स्टाइलिंग भी नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बॉडी क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एक ड्यू कंटेनर बनाऊंगा। ठीक है, और इसको मैं आईडी देता हूँ, सबसे पहले ड्यू क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग टैग। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको एक क्लास देता हूँ, क्लास में यहाँ पे देता हूँ इसको कंटेंट। ओके, और इसके अंदर मैं दो ड्यू कंटेनर बनाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट तो हमारा यहाँ पे रैंडम वाली चीज़ हो जाएगी, और सेकंड जैसे हम उस पर क्लिक करें तो नीचे बॉक्स आ रहा था वो वाली चीज़ है। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, एक तो ये वाला चीज़ है। ठीक है, ये वाला कंटेनर होगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये दूसरा जो बॉक्स आ रहा है यहाँ पे, ये वाली चीज़ होगी। ठीक है, ये चीज़ हम करेंगे, तो यहाँ पे मैं दो डिव कंटेनर बनाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा, ठीक है, और इसको अपन आईडी क्या देने वाले हैं, इसको आईडी अपन आईडी नेम इसको क्लास देते हैं, क्लास इसको देते हैं अपन कार्ड। इसको मैं वापस से ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मेरे को क्या बनाना है, दो डिव कंटेनर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना, ठीक है, और यहाँ पे इनक्लोज क्लोजिंग डिव टैग। ओके, और इसके अंदर मैं इसको क्लास क्या देने वाला हूँ, इसको मैं क्लास देने वाला हूँ कंटेंट। ओके, ठीक है, कंटेंट। ओके, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, दो डिव क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव कार्ड बनाता हूँ, इसका आईडी क्लास हम रखेंगे इसका कार्ड। ओके, और इसको मैं क्लास देता हूँ कार्ड। ओके, ओके, और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक एस टू टैग क्रिएट करता हूँ, एस टू रैंडम कोड के लिए। तो अभी यहाँ पे रैंडम कोड। ओके, और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या क्रिएट करने वाला हूँ, एक बटन बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे बटन टैग, ठीक है, बटन, एंड यहाँ पे इसको बटन को हम क्लोज भी करते हैं। ठीक है, ओके, और इस बटन को मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इसको यहाँ पे एक क्लास देता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको यहाँ पे ऑन क्लिक ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे इस पर कोई क्लिक करे ऑन क्लिक इवेंट, तो हमारा फंक्शन एक
डिस्प्ले फंक्शन बनाएंगे लास्ट में अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में, ठीक है। और इसके अंदर अपन क्लास क्या देंगे, इसको क्लास इसको देने वाले हैं BTN, ओके ठीक है। और यहाँ पे हम इसको जनरेट कर लिखते हैं, ठीक है जनरेट, ओके ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करें तो वो चीज़ हमें मिल जाए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट ड्यू कंटेनर। और सेकंड बनाने वाले हैं, जैसे ही इस पर कोई क्लिक करे तो वो सेकंड वाले चीज़ें मेरे यहाँ पे आने लगे, ठीक है। तो उसको हम बाद में मैनुअली करेंगे चीज़ें, लेकिन मैं यहाँ पे बना देता हूँ ड्यू कंटेनर, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्लोजिंग इसके, और हम इसको आईडी क्या देने वाले हैं, इसको आईडी देने वाले हैं, आईडी इसको देते हैं कोड, ठीक है। ये मेरा हो गया है मेरा HTML का पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं हम इसको थोड़ा बहुत स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। अभी ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो अभी इसको थोड़ा बहुत स्टाइल करके ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टाइल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बॉडी का इसका बैकग्राउंड चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बॉडी को हम टारगेट करते हैं। तो बॉडी को यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को हम क्या करने वाले हैं, बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ पे ये चीज़ कर देता हूँ 1AFF, ओके। ये मेरा बॉडी का बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो कॉन्टेंट है इसको और वो करते हैं, तो यहाँ पे मैं आईडी दी जो थी, क्लास दी थी कॉन्टेंट, इसको स्टाइलिंग करते हैं इसका, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका मैक्स विड्थ सेट कर देता हूँ। मैक्स विड्थ को हम रखते हैं 16 पिक्सल, 600 पिक्सल, ओके ओके। और नेक्स्ट में यहाँ पे पैडिंग भी ऐड कर देते हैं थोड़ा बहुत, पैडिंग इसको रखते हैं 20 पिक्सल, ओके ओके। और नेक्स्ट चीज़ हम इसका मार्जिन कर देंगे ऑटो ऑटो, और जस्टिफाई कॉन्टेंट एंड अलाइन आइटम इसको सेंटर कर देंगे, ठीक है ओके। अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। ये तो मेरा कंटेंट पे हो गया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट वाली चीज़ पे। नेक्स्ट मेरा क्या है, H2 है ये वाली चीज़, इसको मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ। तो H2 को थोड़ा बहुत स्टाइल करते हैं। तो H2 के यहाँ पे सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड अपन क्या करने वाले हैं, इसको मैं 4A, हाँ अब थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, ओके। अब यहाँ पे H2 को और स्टाइलिंग करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो कलर में क्या करने वाला हूँ, इसको वाइट करते हैं ना, तो वाइट हो गया ना, ओके। और हम इसके पैडिंग क्या देने वाले हैं, पैडिंग देने वाले हैं 10 पिक्सल। और इसका फॉन्ट फैमिली हम इसको फॉन्ट फैमिली करते हैं एरियल, ठीक है। अब इसको और नेक्स्ट चीज़ अपन क्या करने वाले हैं, इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर करते हैं, ठीक है। इसको सेंटर में लेके आते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ओके। और लास्ट में हम इसको बॉर्डर भी देते हैं, बॉर्डर रेडियस, तो रेडियस 5 पिक्सल, ओके ओके ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा बहुत रेडियस आ गया है, ठीक है ना, ओके। अभी देखते हैं यहाँ पे मैच कर रहा है अपना थोड़ा बहुत, हाँ अभी और इसको स्टाइलिंग करेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। अपन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ पे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारे क्या है, ये तो हमने यहाँ पे इसको कर ही लिया। अब इसको जनरेट वाले इस चीज़ को, इस बटन को भी हम थोड़ा बहुत स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लास क्या दे रखी थी, BTN ना, तो सिंपल इसको टारगेट किया BTN, एंड इसको मैं थोड़ा यहाँ पे बाद में शो करूँगा आपको। मैं इसका यहाँ पे जल्दी से कोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो BTN, ओके, पहले तो हम इसको हाइट सेट करते हैं। हाइट क्या करेंगे इसका, 15 पिक्सल, ओके। और जो इसका विड्थ है, विड्थ, ओके। और जो इसका फॉन्ट साइज है वो भी हम इसका इंक्रीज कर देते हैं। फॉन्ट साइज इसको रखते हैं 18 पिक्सल, ओके ओके। हाँ बटन अब ठीक लगने लगा है, ठीक है ओके। और इसको क्या करेंगे, पहले कलर भी इसको दे देते हैं। तो कलर पे क्या रखता हूँ मैं, इसको वाइट करता हूँ पूरे को, ठीक है ओके। और इसके बैकग्राउंड को चेंज कर देंगे इसकी जगह। बैकग्राउंड कलर को क्या करने वाले हैं, बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज करके क्या करते हैं, तो ये मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया BTN का, ठीक है। और इसको पैडिंग अपन देते हैं 5 पिक्सल, ओके। और इसका बॉर्डर रेडियस जो है, बॉर्डर रेडियस भी 5 पिक्सल, ओके ठीक है ओके ओके। तो बटन ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, ठीक है, अभी नॉर्मल बटन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कार्ड वाले पे, ठीक है। यहाँ पे इस पूरी ड्यू कंटेनर पे चलते हैं जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, इसको सेंटर वगैरह करते हैं अच्छे से, ठीक है कार्ड, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको पैडिंग देता हूँ। पैडिंग इसको अपन 15 पिक्सल, 15 पिक्सल एंड 30 पिक्सल एंड 15 पिक्सल एंड 30 पिक्सल, ओके। और नेक्स्ट चीज़ अपन क्या करने वाले हैं, इसका मैक्स विड्थ सेट करते हैं। तो मैक्स विड्थ को हम क्या करने वाले हैं, मैक्स विड्थ को करने वाले हैं 15 पिक्सल, 1500 पिक्सल, ओके। और इसका जो मैक्स हाइट है, हाइट भी सेट कर देते हैं, ठीक है, मैक्स हाइट इसको कितना कर देंगे अपन, पिक्सल, ओके। और नेक्स्ट चीज़ अपन क्या करने वाले हैं, टेक्स्ट लाइन इसको सेंटर करते हैं। और यहाँ पे इसका टेक्स्ट
टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ अपन क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देंगे। बैकग्राउंड कलर को अपन क्या करने वाले हैं, एफ टू यहाँ पे E6FF, अभी ठीक लग रहा है ना हमारे यहाँ पे इसका बैकग्राउंड, ओके वाइट वाइट सा, ओके। और हम इसको मार्जिन भी देते हैं, मार्जिन देते हैं इसको, इसको पहले इसके बॉर्डर रेडियस ऐड करते हैं ना, तो बॉर्डर रेडियस कितना करते हैं, बॉर्डर रेडियस इसका 5 पिक्सल, ठीक है 5 पिक्सल। एंड नेक्स्ट चीज़ हम क्या करने वाले हैं, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, ओके ओके। अब एकदम मेरे को ठीक लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेरा बटन ये हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे अभी क्या कर देंगे इसको, नेक्स्ट चीज़ अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसका जो पैराग्राफ हम ऐड करेंगे वो चीज़ को स्टाइल, चलो इसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो चुका है, मेरा ये मेरा CSS का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखने वाले हैं हमारा जावा स्क्रिप्ट का पार्ट, ओके। तो अब चलते हैं हमारे जावा स्क्रिप्ट वाले पार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे हमने हमारा HTML और CSS का पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, ओके। अब ज़्यादा कुछ हमने अच्छी खासी यहाँ पे स्टाइलिंग भी कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे जावा स्क्रिप्ट के में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कुछ यहाँ पे हम कोड ऐड कर लेंगे, उनको हम एक एक करके वहाँ पे हम उनको फेस कर लेंगे, ठीक है। वैसे हम ये जो कोड ऐड करने वाले हैं यहाँ हम किसी सर्वर से या API के फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस वीडियो में नहीं देखने वाले। सिंपल हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे लेट, ओके। और इसी में हम क्या कर देंगे, जो भी हमारे कोड होंगे वह उनको मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने अपने नोट पैड में कुछ कोड यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, उनको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, कंट्रोल ऑल सी, ओके। और यहाँ पे मैं इनको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो मेन लॉजिक है उसके बारे में चलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ था, एक यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे HTML वाले सेक्शन में यहाँ पे मैंने एक ये फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस फंक्शन में कॉल करेंगे और यहाँ पे इसका कुछ लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा ये वाला, ठीक है, अपना जो भी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं और तो ये हमारा फंक्शन कॉल हो जाए और जो इनमें से एक एक करके यहाँ पे इनको शो करने लगे, ठीक है। जो भी हमारे यहाँ पे मैं कोड ऐड किए ये यहाँ पे मेरे को यहाँ पे एक नया न्यू कंटेनर बने और उसमें ये चीज़ें शो करने लगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे जो मैथ रैंडम फंक्शन होता है उसको हम यूज़ करने वाले हैं, जो हमारा जावास्क्रिप्ट का पहला प्रोजेक्ट था कि किस तरीके से हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं हमारे बॉडी का, और वहाँ पर भी हमने रैंडम फंक्शन देखा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, 0 से 1 के बीच में हमें नंबर जनरेट करके देता है, ठीक है, ओके। तो वो चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट इंडेक्स, ओके। और इसको यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैथ डॉट रैंडम, यहाँ पे मैं सॉरी मैथ डॉट रैंडम इसको मैं यहाँ पे, ओके, और मल्टीप्लाई बाई जो कोड डॉट लेंथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लें इनकी लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट होगी, जितनी लेंथ होगा उसी से ये चीज़ होगी, ऐसे ज़्यादा चली जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक नंबर जनरेट करके देगा लेकिन ये कुछ फ्लोर वैल्यू नहीं जनरेट करेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला हूँ, फ्लोर फंक्शन, ठीक है, मैट डॉट फ्लोर, ठीक है, जो भी यहाँ पे वैल्यू आए फ्लोर, ओके। ये कुछ एरर आ रहा है, हाँ यहाँ पे मैथ, ओके, मैथ डॉट रैंडम एंड ओके, अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स यहाँ पे क्रिएट कर लिया, एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, लेट डिव एक अलग से वेरिएबल बनाता हूँ और डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर की हेल्प से जो मैंने यहाँ पे वो क्रिएट किया था उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्यूरी सेलेक्टर की हेल्प से जो मेरी आईडी थी, आईडी मेरी क्या थी यहाँ पे, कोट, ओके। तो ठीक है, ओके okay, और नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट चीज़ मैं इनको जो भी मेरा कोट होगा उसके अंदर इसको इंसर्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक हम उसको डायनेमिकली इंसर्ट कराएंगे, ठीक है, वहाँ पे हम बैकटिक का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक अलग एक और वेरिएबल बनाता हूँ लेट, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसको डायनेमिकली चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो इस एक पूरा कंटेनर जो हमारा डिव है ना, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली चीज़ क्रिएट की थी वही यहाँ पे हम इंसर्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या क्रिएट करूँगा, डिव, ठीक है, और एक और डिव डिव क्लोजिंग टैग के साथ, ठीक है, ओके। और इसको हम क्लास क्या रखने वाले हैं, क्लास हम आई क्लास अपन रखेंगे इसको, कार्ड ही रखेंगे, ठीक है, हमने कार्ड में स्टाइलिंग कर रखी है, वही स्टाइलिंग हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ओके। कार्ड, ओके, थोड़ा इसको बाद में देख लेंगे, पहले इसको इसको हटा लेते हैं, बाद में इसको बैकटिक में ले लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो पैराग्राफ हो वो पैराग्राफ क्या होगा हमारा, सॉरी पैराग्राफ जो हमारा क्या होगा, यहाँ से जो एक कोट जनरेट होगा वो वाला पैराग्राफ हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, उसको हम कोट बोलेंगे, ठीक है।
और इसके अंदर क्या करेंगे हम जो उसके लिए ये वाली चीज़ें, ठीक है ये वाली चीज़ें सॉरी हाँ, और इसके अंदर इंडेक्स, ओके जो हमारा कोड का इंडेक्स होगा वो वाली चीज़ें, ठीक है ये चीज़ आप समझ गए होंगे ठीक है ओके। और अब इसको अपन यहाँ पे बैकटिक के अंदर इसको ऐड कर लेते हैं ठीक है ओके। यहाँ पे चीज़ यहाँ पे हो गई है ठीक है ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया, इसके अंदर मैंने यहाँ पे इंडेक्स सेलेक्ट कर लिया ठीक है, मैट डॉट रैंडम और फ्लोर की हेल्प से, जिसके जिसका लेंथ होगा उसके अकॉर्डिंग हो, मान लीजिए जिसका लेंथ 10 है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको इन एक इंडेक्स रैंडम इंडेक्स यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको डिव एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने यहाँ पे इसको क्वेरी सेलेक्टर की हेल्प से जो मेरा आईडी थी उसको सेलेक्ट कर लिया ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक अलग से वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने यहाँ पे एक पूरा का पूरा मैं ड्यू कंटेनर उसके अंदर इंसर्ट करवा रहा हूँ अपने डोम के अंदर ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा, ड्यू डॉट इनर एच टी एम एल, इनर एच टी एम एल, और इसको मैं इक्वल टू कर दूंगा यहाँ पे जो भी मेरे यहाँ पे जो ये कोट है इसको ओके सॉरी ओके ठीक है। तो ये हो गया मेरा, अब मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करता हूँ, कुछ एरर आ रहा है तो इनर एच टी एम एल यहाँ पे चीज़ें सही हैं सही हैं, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी ये वाली चीज़ ओके ठीक है। अब जैसे हम जनरेट पे क्लिक करते हैं ओके। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे इस वाले जो हमारा एरे था ये वाला कोड इसके अंदर से यहाँ पे चीज़ें आने वाली है ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पूरा यही वेरिएबल का नाम लिख दिया इसलिए दिक्कत आ रही है ठीक है। तो इसके इंडेक्स में यहाँ पे कुछ भी हमें एक पैराग्राफ नहीं एक पूरा सेंटेंस मिल जाएगा और वो चीज़ें हमें यहाँ पे हमारे डोम में इंसर्ट हो जाएगी ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इंसर्ट जनरेट पे क्लिक करूँगा तो ये वाली चीज़ें ठीक है यहाँ पे शो कर रही होंगी ठीक है। तो ये था कि किस तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से एक रैंडम कोड जनरेटर बना सकते हैं ठीक है। और जो हम ये हमारे कोड यहाँ पे जो भी हमने एक कोड यहाँ पे यूज़ किया है जो हमने यहाँ पे लोकली यूज़ कर लिया है ठीक है, इसको हम किसी एक वेब सर्वर से भी लेके आ सकते हैं ठीक है, वो हम किसी अपने नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे ठीक है। तो मेरा आज का मोटिव यही था किस तरीके से हम इन चीज़ों को जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हैं ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वीडियो का मेन पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है ठीक है। एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो मेरे जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है उसको आप अपने ब्राउजर पर बुक मार्क कर लीजिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। फर्स्ट मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी मैंने जावा स्क्रिप्ट की ट्यूटोरियल की ठीक है, वहाँ पे भी मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे कुछ कवर की हैं, कुछ एक दो चीज़ें होंगी वो हम और कवर कर लेंगे ठीक है आने वाले वीडियोज़ में। और जो सेकंड प्लेलिस्ट है हमारी इस पे मैंने जावा स्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं ठीक है, यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और 5वां प्रोजेक्ट है ये वाला प्रोजेक्ट, वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा ठीक है। तो बस गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।